किस इलाके में? देखिए एक वन ऑफ द ब्रांच थी ये, और भी लोग ऐसे हो सकते हैं, अलग अलग बुकीज हैं जो डिफरेंट जो उनके बुकीज कंसर्न बुकीज होते हैं उनसे आईडीज लेते हैं और अपने लेवल पे खिलवाते हैं। क्योंकि गवाल टोली में जो रेड हुई थी उसका कनेक्शन सोनू सरदार से नहीं मिला था, उसका किसी दूसरे गैंग से अगर कनेक्शन होगा तो हो सकता है कि इनका अभी मुंबई में भी जयपुर में भी जैसे नेटवर्क बताया जा रहा है तो उसके हिसाब से इनके अलग गैंग्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन पे कार्रवाई की, हालांकि ज़रूर सट्टे पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाकी अगर वो और भी गैंग्स जो होंगी उन पे भी हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और जो लोग पत्ता खेलते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो सट्टा खेलते हैं उनको ये लोकल लैंग्वेज में पंटर बोलते हैं, तो उसमें कुछ छोटे खेलने वाले होते हैं, कुछ बड़ा पैसा लगाने वाले होते हैं। उसके लिए क्योंकि इनके बहुत सारे मोबाइल सीज किए गए हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर्स हैं, उसमें हमें जो CDRs हैं वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे हमारा मेन फोकस बुकीज़ पे रहेगा, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सारे बुकीज़ के थ्रू खेलते हैं। तो अगर हम बुक काम करता था सर, उससे कोई बड़ा था, उसके ऊपर भी था कोई सोनू सरदार के कोई तो ऊपर होगा सर? देखिए अभी तक जो कानपुर का नेटवर्क है उसमें सोनू सरदार का नाम आया था, बाकी उसके जो अन्य साथी दिल्ली मुंबई उसमें हो सकते हैं, तो उसके डिटेल्स तभी पता लग पाएंगे जब तक हम पूरा इनका इन्वेस्टिगेशन में CDR एनालिसिस करेंगे।